पनावड़ा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकॉन बटन को पाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट को। मकराना माइक्रो एटीएम डिजिटल पेमेंट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। नागौर मकराना। प्रधानमंत्री भारत सरकार के डिजिटल भारत अभियान को नए आयाम को जनहित में स्थापित करने के उद्देश्य से आईडीएफसी बैंक ने आज ग्राम पंचायत बोरावड़ मुख्यालय पर श्रीकर्णी ई मित्र पर समारोह पूर्वक माइक्रो एटीएम डिजिटल पेमेंट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित थे। वही अध्यक्षता बैंक के स्टेट हेड दीपक गोयल ने की। विशिष्ट अतिथि उप सरपंच अयूब गोरी, पार्षद ओम प्रकाश पाटोदिया, आईडीएफसी जयपुर के उप शाखा प्रबंधक रहीस खान, प्रतीक शर्मा व गंगा सिंह राजपुरोहित थे। प्रधान राजपुरोहित ने समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डिजिटल योजनाओं के तहत बैंकिंग सेवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए आम जन से सरल व सुविधाजनक सेवा सुलभ कराने वाली आईडीएफसी बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने का आह्वान करते हुए कहा कि नरेगा, पेंशन सेवाएं और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस बैंक में खाता खुलाकर सुविधाजनक आसानी से लेन देन संभव है। आदमी का समय और पैसा दोनों बचता है। स्टेट हेड दीपक गोयल ने बताया, समारोह के दौरान 5 अकाउंट खोलने के साथ ही स्थानीय बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। नागौर जिला में 105 आईबीसी सेवा केंद्र के साथ ही आज मकराना तहसील के बोरावड़, सबलपुर, बेसरोली, मंडूपुरा, पर्वतिस तहसील के कुंडरी में भी नए बैंकिंग सेवा केंद्र स्थापित हो चुके हैं। उप शाखा प्रबंधक प्रतीक शर्मा, रहीस खान ने उपस्थित जनों को आधार कार्ड से लेन देन, अन्य बैंकों के खाता धारक के आईडीएफसी सेवा केंद्र से 24 घंटे लेन देन करने, नए खाते खोलने, निफ्ट करने, पोर्टेबल करने संबंधित सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी। वही आम जन को बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी समस्याओं और सुविधाओं के बारे में पूछे सवालों का संतोषप्रद उत्तर देकर जिज्ञासाओं को शांत किया। इस मौके पर सुरेश कुमार जोगड़, बद्री नारायण कासट, मुक्ति राम कुमावत, जावेद खान, जय सिंह कोटेचा सहित अनेक व्यापारीगण और अन्य लोग उपस्थित थे। मकराना से जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट।